वेलकम देवी और सज्जनों, आप सबका स्वागत है एक नए सफर में विद रॉबिन गेमिंग। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं सेटिस्फैक्ट्री, और आज ये उसका पांचवा पार्ट होगा। तो हमने पिछले बार हमने क्या किया था कि स्पेस एलिवेटर को बिल्ड किया था, देन वहाँ से हमारा एंड हो गया था, ठीक है। तो इस बार हमारा मेन गोल होगा कि स्पेस एलिवेटर है ना, तो उसे उसका जो फर्स्ट फेज है वो कंप्लीट करना है, देन जाके वो जो हमारा टीयर टू हो गया था शायद ना, थ्री एंड फोर, तो वो अनलॉक होगा। तो अगर हमने टीयर अगर फेज कंप्लीट नहीं किया तो हमारा वो नहीं होने वाला। तो हमारा मेन गोल होगा कि वो फेज कंप्लीट करना है एंड देन बाकी का जो टीयर है वो ऑन करना है। तो ये हमारा वीडियो एंड होने तक का रहेगा, एंड देन दूसरा चीज़ें भी है जो हम करेंगे साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। बढ़िया, ये हर बार का मेरा हो गया कि नाइट ही मेरा जो हमेशा नाइट में ही चालू होता गेम, तो हमने पिछले बार नाइट में छोड़ा था, ठीक है, तो इसलिए इस बार भी नाइट में ऑन हुआ। तो ये जो है हमारा स्पेस एलिवेटर हमने डाला था वो यही है। तो हमने सिलेक्ट कर लिया वो फेज जो है, वो फेज कंप्लीट करना, बट साथ में जो वर्क्स है बाकी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वर्क रहेगा हमारे पास फिलहाल के लिए, तो वो सब भी करेंगे एंड देन मेन गोल तो हम वो कंप्लीट करते रहेंगे। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए हम पहला ना यहाँ पे जो हमारा जो बन रहा है, जो हमारा मेन जो था कि स्टिचे आयरन प्लेट जो है उसे बनाने के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्रू बनाना पड़ेगा। तो स्क्रू के लिए हमें चाहिए रहेगा कंस्ट्रक्टर, ताकि स्क्रू बनाने के लिए डाल सके, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर डाल देते, चार लगा देंगे, वो सबसे बेस्ट हो जाएगा। ओके, तो ये लग गया चार, मैं वीडियोस काट काट के डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको लगे कि अरे अचानक से क्या हो गया, तो मैंने चारों कंस्ट्रक्टर डाल दिया। अभी उसको लाइन कनेक्ट करेंगे, बेसिकली जो पावर ग्रिड है उससे कनेक्ट कर देंगे उसे। तो ये कनेक्ट हो गया, ये भी हो गया, एंड देन ये मेन जाके इधर से। ओके, तो अभी इसको सबको स्क्रू में सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बचा है, ये सिलेक्ट, ओके। तो ये देखो चारों को मैंने स्क्रू में डाल दिया, ठीक है। तो अभी इसको जो स्क्रू के लिए, तो हमने इसको अलोकेट कर दिया है, ये तो स्क्रू बना देगा, अभी बाकी तो चीज़ें करेगा, स्क्रू बनाएगा, बट उसके लिए मुझे उसे पावर तो सप्लाई पावर सप्लाई दे दिया हमने, उसको सिलेक्ट दे दिया, देन अभी बचा है उसको मटेरियल प्रोवाइड करना। अब तो मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, अब उसके बिना तो वो चलेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम जो सिस्टम यूज़ कर रहे उस हिसाब से मैं ऊपर से उसको ला के दूंगा मटेरियल। तो अभी उसके लिए मैंने जो बनाया है, तो ऊपर जाके क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर लगाएंगे, एंड देन उस कंस्ट्रक्टर से बाकी सबको कनेक्ट कर रहे हैं, बाकी सबको मतलब मेन सप्लाई जो है उससे कनेक्ट कर लेंगे। अभी ये लगा दिया, तो अभी ये जो इधर से आएगा, ठीक है, ये वाले के इधर से आएगा, एक सेकंड का आ गया, हाँ। तो हम क्या करेंगे, उसके सामने लगा देंगे ताकि उधर से आके इसको कनेक्ट हो जाए, देन हम नीचे लेके जाएंगे। देखो पावर ग्रिड में आ गया, ये नीचे ले लिया एंड डन। देखो ये आ गया ना लाइन में, अभी इसको कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट इसके थ्रू। ओके, क्या मैंने कुछ गलत सिलेक्ट कर दिया क्या? हाँ ठीक है, ये तो हमको डिलीट करना है, ओके, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका काम था स्टार्टिंग में जब हम ऊपर जाने के लिए कर रहे थे तभी का। तो ये जाएगा और ये सीधा उधर उसे होके नीचे आएगा। तो ये हो गया हमारा इधर। तो अब क्या बचा है, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है नहीं, ठीक है। तो ये भी हटा देते ना, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये देखो हमारा चल रहा है, देखो वहाँ से आ रहा है, जो भी हमने बेसिकली उसको लगाया क्या पिछले बार जो हमने किया था कंस्ट्रक्टर को दिया था कि वो रॉड बनाए। तो हमारा जो गोल था कि इसमें आयरन स्टिचेज प्लेट बनाने के लिए, सॉरी हाँ, आयरन स्टिचेज बोल रहे, आयरन स्टिचेज स्टिचेज बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ओके ठीक है, तो उसके लिए स्क्रू बनाना था, देन अपना उसके बाद जगह प्लेट कनेक्ट करेंगे, क्योंकि प्लेट के लिए तो टेंशन ही नहीं हम। तो स्क्रूज बनाने के लिए तो मेन वही था, देन ये हो गया हमारा आ रहा इधर से। और अब बचा है इसका, एक सेकंड क्या बचा है, ठीक है। तो मैंने इसको अकेले को कनेक्ट किया, ठीक है, एक ही में जा रहा सारा के सारा, बाकी सबको कनेक्ट नहीं किया। अब सबको कनेक्ट कर लेते, ओके, सबको कनेक्ट किया। अब हाँ उस साइड भी गया नहीं, इस साइड का इधर से कनेक्ट करेंगे तब जाके बाकी दोनों को भी मिलेगा, जो भी आया अपना आयरन रॉड है ना, उसके बाद वो स्क्रू बनाता है। ओके बढ़िया, तो चारों हो गया। अब डालेंगे अपना असेंबलर, जिसमें जाके हमारा बनेगा आयरन स्टिचेज प्ले, आयरन स्टिचेज प्ले। बेटा तुमसे ना हो पाएगा,
मैं तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। या हम उसको सिर्फ आयरन प्लेट बोलेंगे। अरे बट क्या है ना, आयरन प्लेट दो दो है, एक नॉर्मल आयरन प्लेट है, देन ये अभी देखो एक कम पड़ रहा है, रीइंफोर्स आयरन प्लेट रिटर्न, हमको आर प्लेट ऐसा बोलेंगे ताकि वो रीइंफोर्स बार बार बोलने में तकलीफ होता है मुझे, मुझे तकलीफ अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम इसको मैनुअली अभी क्राफ्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो ओके मैनुअली क्राफ्ट कर लेंगे, तो मिलता हो ये क्राफ्ट करके। ओके बढ़िया, तो मैनुअली हो गया अपना, जितना चाहिए तो उतना मिल गया फिलहाल के लिए। तो और एक बना लेते हैं, क्योंकि दो लगाएंगे ना एक साथ तो फिर बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमें उसके हिसाब से जो नट चाहिए था स्क्रू उसके हिसाब से किया था कि दो हम लगा सके आराम से। तो ये हो गया, लगा दिया, इसको कनेक्ट कर देते हैं, मतलब इसको बेसिकली बेल्ट लगा देते हैं, स्प्लिटर लगाएंगे, ये लगा दिया, अब इसको स्प्लिटर लगा दे, ये स्प्लिटर बराबर घूम, हाँ ओके। तो दोनों को स्प्लिटर लगा दिया, अब इसको पावर ग्रिड पावर दे दिए ताकि वो पावर के थ्रू चले, ठीक है? ये कनेक्ट कर दिया इसको, ये एंड इसको, देन मेन को अब ये दे दिया। अब इसको बट हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया अभी तक का, और मेन चीज़ें इसको प्रोवाइड भी नहीं किया। तो ये हो गया मेन चीज़, उसको प्रोवाइड कर दिया, इधर से मैं दे रहा हूँ उसको प्लेट, देन उधर से मैं स्क्रू दे रहा हूँ, ठीक है? तो अभी इसको सिलेक्ट कर लेते, सिलेक्ट हो जा, ये अब इस पर पकड़, हाँ तेरा रीइंफोर्स आयरन प्लेट, अब मैं बराबर बोलने लगा, ठीक है? तो ये स्क्रू आ रहा है, देखो प्लेट भी आना चालू हो गया, बट धीरे धीरे आएगा क्योंकि हमारा जो बेल्ट का लेवल है वो बहुत कम है, बेल्ट लेवल अभी 1 चल रहा है ना, एंड देन 2 आएगा, जो हमारा रीइंफोर्स आयरन प्लेट है उससे बेल्ट 2 बनता है जो हमारे पास है, बट उसके लिए रिसोर्स कम है इसलिए हम नहीं लगा रहे। तो अभी जो हमारा जो था कि प्लान था कि हम करना है कि फेज़ 1 कंप्लीट करना, उसके लिए जो है ना ऑटोमेशन नहीं कर सकते, बट हम उसको ना मैनुअली उसको स्टार्ट पे रख सकते हैं कि वो भाई अपना 50 ही है ना तो चालू हो जाएगा। अरे फिर से मेरे को एक कम पड़ रहा है, ठीक है? तो हमको रिटर्न जाके लाना पड़ेगा, बट उससे पहले ना अपना ये क्या उसे कहते हैं ओवरक्लॉकिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि हम इसके लिए बहुत टाइम लगता है ना, तो हमें वीडियोज़ में ज़्यादा टाइम उसको देना नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे उसको स्पीड अप करेंगे, और उसके लिए हमें चाहिए पावर स्लग। आपको पता होगा कि हमें पावर स्लग आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा दूसरा वीडियो शायद था कि पावर हाउस का कुछ ऐसा, उससे क्या होता है कि स्पीड बढ़ जाता है, प्रोडक्शन का स्पीड बढ़ जाता है स्लग से, तो ओवरक्लॉकिंग होता है उससे। तो अभी ये कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये पीला वाला जो है ना, ये जो पीला पीला धुआँ है इधर जाओगे तो डैमेज होता, आपको पता होगा, तो और उसी में ये पीला वाला स्लग, इसका अभी तक हमने रिसर्च किया नहीं, ठीक है? तो हम ये देख लेंगे बाद में, बट अरे डैमेज कर रहा है यार बहुत ज़्यादा, पक पक पक। ओके ठीक है, तो ज़्यादा ये क्या ही कर लेगा डैमेज, ज़्यादा नहीं होता है, बट आगे जाके बहुत मुश्किल हो जाएगा जब ये बहुत लंबा लंबा ऐसा बड़ा बड़ा एरिया में रहेगा ना, तब क्रॉस करने में या फिर जाने आने में प्रॉब्लम करता है। अभी के लिए ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं और देखते हैं आजू बाजू है क्या पावर स्लग, जिससे क्या होगा कि हमको ओवर क्लॉकिंग करने में आसानी हो जाएगा, और उसी बहाने आपको जगह भी दिखा दूंगा। ये 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 क्या कर रहा है वो, तेरी मुंह खोल के बैठा है, इसको दू क्या? अरे सॉरी, मुंह में फाइट मारा उसके, मुंह खोल के बैठा था, ये ले लेते हैं, नहीं तो जब हेल्थ नहीं रहता तब हालत ख़राब होता है। तो चलो इसको और ढूंढते हैं, इधर आजू बाजू रहेगा तो। एक मिनट हवा जा रहा है वो देखो सामने सामने, अच्छा चलो फाइट का टाइम चालू हो गया अपना। ये उड़ा, इसको डॉज कर रहे हैं ना उसी में, वही बच सकता है, अगर इसको डॉज कर दिया तो अब बच जाएगा, नहीं तो फिर ये छोड़ेगा। तो दो पड़ी ना इसको, और एक पड़ेगी शायद लास्ट के, लास्ट बचा हेल्थ इसका, एक पड़ने दो, ये फिर गायब हो गए, हाँ झाड़ी में गए पड़े अभी साला, नहीं 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 नहीं, नहीं। चलो मतलब दो और पड़ा, चार टोटल खाता है क्या, चार हेल्थ होता है इसको अभी, और एक आ गया, एक आ गया कि दो आ गए, नहीं एक ही है, इतना भी कुछ खतरनाक नहीं है, ठीक है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो है ये लेवल 1 का है, ये जब और एरियाज में जाऊंगा ना, जब थोड़ा खतरनाक एरिया रहेगा ना उधर, बाप रे इतना खतरनाक होता है कि एक बार में मेरा आधा हेल्थ डैमेज दे देता है, बट तो उनका आवाज़, उनका भागने का स्टाइल सब कुछ खतरनाक। आगे जाके इसका ना न्यूक्लियर वर्जन भी आता है, ठीक है?
तो वो बहुत ख़तरनाक होता है। और ये देखो इधर आजू बाजू ना बहुत ओर से जो ओर नोड होता है वो जो हमें दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यही आजू बाजू हमारा बहुत सारा रिसोर्स जो एरिया हमें बोल रहा ना ये वाला जो एरिया प्लेन बायोम इसमें बहुत सही लगता है। फिर नीचे देख रहे हो कुछ दिखता नहीं, ठीक है नीचे गिर गया तो ख़त्म हो जाएगा गेम खत्म। गेम खत्म नहीं होता बेसिकली क्या हो जाएगा कि रिसोर्स जो है हमारे इन्वेंट्री में वो डिसअपीयर हो जाएगा क्योंकि वो नीचे गिर जाएगा हमारा बॉक्स ना। और उस साइड देखा आपने देखा तो रहेगा वहाँ पे और नोट्स है रिसोर्स नोट्स है। अरे एक मिनट इसको लेते हैं क्योंकि वो डैमेज दिया ना भाई ये पकड़। अरे बिना कचरे के ना कभी काम होता ही नहीं, कचरा हाथ ही में आ जाता है। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। चलो दिख गया एक दिख गया वो देखो सामने आपको दिखा होगा तो इसी का वो रखवाली कर रहा था शायद इसलिए वो मुझे मारने आया। बट वो रिसोर्स नोट पे भी हो सकता है। चलो तो निकाल लेते हैं जा। ठीक है भाई अटक क्यों रहा है पहुँच गए एक मिनट। ये ब्लू वाला ठीक है इससे सिंगल ही बनता है। यही वाला अपन जो स्टार्टिंग में आपने देखा था वही वाला है ये ठीक है। मैं कुछ भी इधर छोड़ने का इरादा नहीं है कि अगर छोड़ दिया ना ये मैंने तो मेरा वेस्टेज जाएगा ना प्लेट और रॉड। एक सेकेंड और कुछ है यहाँ पे नहीं कुछ है ओके। तो ये जो है अपना ये उठा लेते भाई बेरी उठा लेते। आवाज़ क्या है रे बेरी उठा लिया आपने और वो देखो और एक दिख गया और एक दिख गया। बट यहाँ पे ये रहता है क्या अपना आवाज़ आ रहा है देखो आपको आवाज़ आ रहा है कि नहीं पता नहीं बट मुझे आवाज़ आ रहा है। आजू बाजू है एक बट वो दिख क्यों नहीं रहा है ये देखो आवाज़ आ रहा है। एक सेकंड क्या करते हैं ना अपना चुपचाप लेके निकलते हैं वो कितना ही मारेगा वैसे भी वो अपन उससे फाइट करने के लिए तैयार है इसमें इतने इससे इतना डरने की ज़रूरत नहीं। फिर भी भाई जब वो आग उगलता है इतना खतरनाक लगता है ना। पहले देखो मेरे को मैसेज आ रहा है बट वो है कहाँ पे साला एक तो वो दिख नहीं रहा ठीक है बट मैसेज आ रहा आवाज़ खतरनाक आता है उसका मुझे वो उसका जो चलने का बेस है ना बट जब वो पैर रखता है ज़मीन पे ऐसा धुड़ूम धुड़ूम आवाज़ आता है। चले एक काम कर 200 रुपये दे और 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग के वजह ठीक है। बेस बहुत सही है उसका चलने का बट है किधर इधर भी नहीं है। एक सेकेंड इधर है नहीं इधर भी नहीं है। वो देखो अपन बेरी लेके निकलते चलो बस हो गया बेरी नट ले लिया अपना चलो चलते बस हो गया आज के लिए इतना मतलब बहुत एक्सप्लोर कर लिया इतनी सी जगह एक्सप्लोर किया बट ठीक है हमें कितना मिला दो तो नीला वाला मिल गया तो उससे हम बना लेंगे दो हमारा बन जाएगा ओवर क्लॉकिंग के लिए बन जाएगा सेल पावर सेल क्या भी बोलते हैं उसको ये और के। तो हमारा देखो ये चल रहा था बन गया इतना तो बना इसमें ऐसे हमें ज़रूरत पड़ेगा उतना तो मिलता रहेगा काम चलता रहेगा। इसको रॉड ये डाल देते स्क्रू स्लो है ना तो स्क्रू डाल देंगे तो अपना स्पीड बढ़ जाता है उसका इसमें देखते हैं रिसोर्स है ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो चलता रहेगा। अभी हमारा कैसा ये तो ऑटोमेटिक चलता रहेगा बट इसका क्या है ना आगे जाके इसको हम एक्सपांड करेंगे ना तब सही लगेगा क्योंकि ये एक एक दो दो बनाएगा ना एक एक मिनट में तो मज़ा नहीं आएगा बट बाद में जब एक्सपांड करेंगे ना तब सही लगता है। अब देखो मैं जो लेके आया ना उससे देखो इससे बन रहा पावर शर्ट बन रहा है दो बना लिया और ये मेरा पीला वाला यूज़ नहीं हो रहा है। मैं बोला था ना पीला वाला क्योंकि हमने इसको रिसोर्स अपना बेसिकली रिसर्च नहीं किया इसको रिसर्च कर लेते हैं एंड देन इसको ट्राई करेंगे बट एक ही रिसर्च में ही निकल जाएगा। कहाँ गया पावर स्लग अबे नीचे ही तो है अबे कौन सा हाँ ये रहा ये देखो इसको रिसर्च कर लेते हैं ये देखो रिसर्च हो गया ना तो मेरा गायब हो गया। अभी अगले बार जब आऊँगा ना तब मुझे उससे दो मिलेगा इससे ये तो बेसिकली लोकेशन देखने के लिए बट ठीक है ये रिसर्च बाद में करेंगे बट अभी जब भी मिलेगा ना पीला वाला उससे हम दो पावर शार्ट बना सकते तो मतलब डबल ओवर क्लॉक हो गया कोई सा भी चीज़ डालेंगे। तो ये हमारा जो है चल रहा बाकी सब तो चलो अभी एक मेरे को ना एक प्लान आ रहा है क्योंकि जो हमें जो चाहिए ना जो अपना क्या वायर है वायर हम ऊपर जाके बार बार लेने से अच्छा ना हम उसको इधर ही मंगाते यहाँ पर ना जो स्टोरेज कंटेनर है वो डाल देते ठीक है एंड देन वहाँ से कनेक्ट कर देंगे इसको और क्या हो जाएगा कि सारे के सारे यहाँ पे आके एक स्टोरेज कंटेनर में जमा हो जाएगा। साला मैं कब से इधर उधर घूम रहा है इधर है स्टार्टिंग में ना मैं बहुत गड़बड़ करता था ठीक है सेम ऐसे ही करता था बट अब भी क्या हो गया कि जब मैं ध्यान नहीं दे मैं इधर करते रहता और यहाँ पर बकबक करता रहता हूँ तो क्या हो गया कि उसके चक्कर में मेरे को दिखता ही नहीं हो कि कहाँ पर मैं एक ही बार दो तीन जगह पर टैब पर एक ही बार जाते रहता हूँ। बट ठीक है अभी इसको ना टावर बना देंगे एंड देन वहाँ से उसको कनेक्ट कर देंगे क्योंकि नीचे लेंगे तो हमें प्रॉब्लम करेगा बाद में ना। ये लास्ट हो गया ठीक है बस इतना इनफ होता है।
ओके, तो इसको जाके कनेक्ट कर देंगे। नहीं ये इतना दूर नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, और ऐसा ये लगा देते क्या, अपना पोल लगा देते, ठीक है, अपना ये कन्वेयर पोल, पोल बोला मैंने, ठीक है, बट कन्वेयर नहीं बोला। और ये छः जो स्टे छः वाला ये लेते ना, छः क्या अपना छः फाउंडेशन दूरी का ये कनेक्ट होता है। नसीब ही ठीक नहीं है, ठीक है, ये काम करने ही नहीं देता मेरा। ये जो लाइट का मेरा जो पावर सिस्टम है ना, बहुत बेकार है। इसको जब भी कुछ करने जाता हूँ कि पावर फेलियर हो ही जाता है मेरा, मतलब ग्रिड डाउन हो जाता है। तो अभी ठीक है, बनाते अपना मैन्युअली क्राफ्ट करना पड़ेगा। इसको भी डाल के ना, बेसिकली कंस्ट्रक्टर में डाल देंगे ना तो ये भी बन तो जाएगा, बट क्या है ना, थोड़े थोड़े देर में जाके उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। उतना बिजली जाएगा, ऑलरेडी बिजली का प्रॉब्लम चल रहा है, पावर इनफ है नहीं, ठीक है, फैक्ट्री में पावर इनफ है ही नहीं। और हम इसको इसके लिए स्पेशल कोई पावर भी नहीं दे सकते कि जाके भाई तू काम कर और मेरा पावर यूज़ कर, ठीक है। ऑलरेडी ग्रिड पे लोड बहुत ज़्यादा है, कर लेंगे आगे जब लगभग खुलेगा। आगे जाके टीयर 3-4 में शायद मेरा कोल जनरेटर खुलता, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा कि मेरे को ये जो मैनुअली झंझट मारी है ना, ये नहीं करना पड़ेगा, यह सबसे बेस्ट लगता है मुझे। तो ये टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा, तो अभी के लिए चला लेते, ठीक है, काम चलाने के लायक है तो चला लेंगे। तो ओके ये हो गया। अब अपना क्या कर रहे थे, हाँ इसको कनेक्ट कर रहे थे, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया, ये नहीं, एक ये जाके सबसे ऊपर बड़ी, ये कनेक्ट हो गया। अब इसको आगे लेके जाएंगे, वहाँ पे लेके जाते, अच्छा ये आया, ओके। अब वहाँ से वो ऊपर से कनेक्ट करना है, और मैं ऊपर से कनेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा था, ठीक है, बहुत देर से किया, बाद में पता चला मैंने उल्टा लगाया ऊपर आके, देन जाके सब के सब मैंने रिटर्न किया, फिर जाके वो मेरा हुआ भाई, फिर कनेक्ट हुआ, फिर चालू हो गया। देखो अभी कितना सही लग रहा है, देख रहा है कितना बड़ा लंबा लाइन गया, एंड देन जाके लास्ट में एकदम लगा, ये एकदम सही है। ओके देखो अभी मेरा सब कुछ कनेक्ट तो मैंने कर दिया, बट क्या है ना, ऊपर वाले कंटेनर में जा रहा है, अभी नीचे तो लाना पड़ेगा ना उसे, तो इसलिए हम ये यूज़ करेंगे, कन्वेयर लिफ्ट जो है ऊपर से नीचे, फिर उसके ऊपर, उसके नीचे नीचे नीचे, ऐसा देन पूरा नीचे लेके आएगा। ओके अब उस साइड से कनेक्ट करेंगे, तब जाके ये मेरा नीचे आएगा। बट ये बाद में जाके ना डबल वाला आता है ना, डबल स्टोरी वाला, वो सही लगता है। ये आ गया नीचे, चलो हो गया, ये सब बराबर है। चलो आपको दिखाता हूँ कैसा आएगा, देखो अभी देखो यहाँ पे आएगा, पहले पे रुकना पड़ेगा शायद, क्योंकि ये स्लो वाला है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है ना, लेवल 1 वाला लिफ्ट है, ये देखो आने लग गया, स्लो आएगा, 60 आइटम पर मिनट आता है, बट ठीक है, इनफ है स्टार्टिंग के लिए, बोले तो इनफ है, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट अपना ये हो गया, और क्या बचा, हाँ ये बचा, ये कलेक्ट कर लेने का। उससे पहले एक सेकंड रुको, कहाँ गया मेरा सारा, हाँ ये रहा, गया सब, ये गया, ओके। तो अभी क्या करते पता, थोड़ा सा ये बना के रख लेते हैं, ये चल दिया, फालतू चीज़ें ना मेरा पूरा भर गया, ठीक है, स्टोरेज ही भर गया था। अब इसको मैन्युअली थोड़ा क्राफ्ट कर लेते, ठीक है, क्योंकि मैं उधर जा रहा था उसमें डालने के लिए, बट देन मुझे याद आया कि मेरा वाट लगने वाला है, ग्रिड डाउन होने वाला था इन रिटर्न, क्योंकि मैं पावर शर्ट जैसे यूज़ करूँगा ना, ग्रिड पे लोड पड़ता है, ठीक है। जब भी मैं लकड़ी रख देता हूँ, और एक सेकेंड इसमें डाल दो, ये डाल दिया पावर शर्ट, देखो अभी देखा क्या, स्पीड बढ़ गया, बट जो मेरा का जो यूज़ कर रहा पावर उसका भी ये बढ़ गया। तो हम कलेक्ट कर लिए, मेरे को एक ये लग रहा है कि ना थोड़ा सा डिज़ाइन बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फ्रंट गेट हो जाएगा, मेन जो है हमारा टावर वो इधर ही है, तो थोड़ा डिज़ाइन बदलना पड़ेगा। और उससे पहले तो सब कुछ कलेक्ट कर लेते क्या अपना, हाँ क्या चाहिए, अरे यार अपना ये रे, समझ रहे हो ना, कॉन्क्रीट, हाँ ये इतना स्लो क्यों है, इसको स्पीड अप करते, क्योंकि ये बहुत स्लो चल रहा है। मैंने इससे क्या हुआ था कि हमने स्टार्टिंग में बनाया था ना, तो क्या हो गया, सारे का सारा लेवल वन का सब कुछ लगा हुआ था, देन वो देखो इसका 120 पर मिनट दिखा रहा है, देखो तो ये लगा दिया, ठीक है। अब देखो स्पीड बढ़ गया इसका, पहले स्लो था अब स्पीड बढ़ गया, अब ये सही चलेगा, एकदम मस्त मक्खन चलेगा। तो हम कलेक्ट कर लेते अपना, और फिर जाएंगे उसको थोड़ा सा वॉल क्रिएट करेंगे आजू बाजू में, ताकि थोड़ा सा अपना फैक्ट्री ठीक ठाक लगने लगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्ट्री क्रिएट करना।
कहाँ गया एल। बस इसी की बचा था, मैं थोड़ी देर पहले ही बोला कि मेरा ग्रिड जाने वाला है, मैंने इसलिए वो बैकअप में दो तीन बना के रखा था, क्योंकि मुझे वो एक्स्ट्रा वाला जो है ना मैंने जिसमें फील नहीं किया था, ये देखो दोनों के दोनों मर गया। अब इसको फील कर देते, ये गया और ये भी गया। ओके अब देखो अब चलेगा है, अभी क्यों नहीं चला? अबे बराबर तो है, मैंने जो चालू नहीं किया तो चालू तो कर दिया, सब भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, फिर से चालू करते हैं। देखो चालू होगा, लगता है ग्रिड पे लोड ज़्यादा पड़ रहा है, कुछ तो डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको ना बंद ही कर देते क्योंकि इसका काम हो गया, ठीक है हमने इसमें से कलेक्ट तो कर लिया, अब इसको बंद कर देते, बेसिकली होल्ड पे डाल देते, ये होल्ड पे, ठीक है दोनों के दोनों होल्ड पे गए। अब ग्रिड ऑन करते, होल्ड पे जाके करना पड़ता हमेशा ग्रिड ऑन, ये बढ़िया बोला ना उसी पे, ज़्यादा मैंने वो डाल दिया ना दोनों के दोनों पावर शार्ट डाल दिया ना, तो ओवर क्लॉकिंग की वजह से उस पर पावर ग्रिड पर ज़्यादा प्रेशर आ गया तो डाउन हो ही जाता है वो, बेकार है, तो इसलिए वो करेंगे। इसका ना सोल्यूशन एक ही है, सबसे बेस्ट है कि आपको ना ऑटोमेशन पे अपना जनरेटर लगा देंगे, जो कोल जनरेटर होता है उससे, तो वो मस्त हो जाएगा। तो ठीक है मैं ये इस साइड का लगा लेता हूँ, इस साइड का भी हो गया, ये हो गया अपना। अब थोड़ा सा गेट का जो एरिया है उसको क्रिएट करते, ठीक है ये बढ़िया। अब ये लास्ट नहीं, इसको ज़रूरत नहीं उतना भी, आप भी देखो ये तो एकदम नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है ये उतना कुछ मतलब खास लग नहीं रहा है, इसको ना साइड को थोड़ा ना पोल लगा देंगे ना तो मस्त दिखेगा। ओके अब ठीक है, ये ठीक है, अब इसको लगाते हैं इस साइड भी, दोनों तरफ सेम लगाएंगे। अभी क्या ब्लू प्रिंट वाला सिस्टम अभी आया नहीं है, जब वो आ जाएगा ना ब्लू प्रिंट वाला सिस्टम आ जाएगा तो कैसे, ये जो हम मैनुअली किया अभी तो मैनुअली करने की ज़रूरत भी नहीं है, डिज़ाइंस बेसिकली हम क्रिएट करके उसमें डाल देंगे, ठीक है। बट अभी के लिए गेट थोड़ा अच्छा दिखे, क्या है ना अपना ये है तो लास्ट तक का ऐसा हर एक इतना गंदा दिखेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो ठीक है अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए ऐसे बेसिक कर लेते, क्योंकि बहुत सारा चीज़ अनलॉक है नहीं हमारे पास, ठीक है तो कांच का भी बहुत सारे चीज़ें है, तो फैक्ट्री को थोड़ा मॉडर्न लुक देने के लिए वो सब चीज़ें बाद में अनलॉक होता है, अभी के लिए जो है अवेलेबल जो भी चीज़ें उससे ही थोड़ा फैक्ट्री को चमकाने की कोशिश करेंगे, फैक्ट्री को थोड़ा बेहतर दिखाने की कोशिश करेंगे आखिरकार, क्योंकि हमें ही खेलना है इसे, और वो भी बहुत चलने वाला है ये, अभी तो लगभग ये पांचवा एपिसोड है ना, तो ये तो दबा के चलेगा, ठीक है ये लगभग जाएगा 20 के ऊपर ही जाता शायद। पांचवा एपिसोड में हमने कितना टीयर टू भी कम्प्लीट नहीं किया, टीयर वन कम्प्लीट हुआ है, मतलब फेज़ वन कम्प्लीट हुआ, फेज़ टू पे अभी जाए, फेज़ वन का हमने अभी तक का कम्प्लीट नहीं किया, सॉरी ये मैं बहुत गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है सब बोलते हैं ना मुँह पे ऐसा जबान पे ऐसा ना कुछ चीज़ें अटक जाता है ना जिस तरह से, सेम है वैसे ही हो रहा है मेरे साथ, तो ये हो गया आप देखते हैं। ओके बढ़िया, बट अभी भी कुछ तो कमी लग रही है, ये जो गैप दिख रहा ना वो अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको भी हटा देते, क्या करते उसको वॉल लगा देंगे एंड देन थोड़ा बालकनी टाइप, क्योंकि ये जो हमारा फ्रंट एरिया है ना तो फ्रंट एरिया में क्या होएगा कि हम जब अगले वीडियो अगले बार से क्या करेंगे ट्राई करेंगे कि वो गेट पे आके फिर हम इंड करें वैसा हो जाएगा कि वो हमारा बालकनी एरिया घूमने उमने के लिए, या फिर हम जो बेसिकली फ्लोर क्रिएट करेंगे तो कैसा वो बालकनी मस्त दिखेगा उस टाइम पे। तो अभी के लिए क्या करते हैं इसको फुल कर देते हैं देन इसको बालकनी वहाँ पे बना देंगे, ये ओके ये लग गया, एक सेकेंड इसको पूरा जाके एक नहीं ये हो गया नहीं 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 अब भी ठीक है, इसको एक लगा देते ऊपर और ये फिर सेम ऐसे सेम टू सेम दोनों साइड हो जाएगा। अब यहाँ पे रेलिंग लगाएंगे, अभी जो मैंने छोड़ा गैप ना वो मेरा बालकनी वो अपना बालकनी ठीक है, फैक्ट्री का बालकनी मेरा बालकनी नहीं है, बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा साल ना वो फैक्ट्री का है, देन उसको अभी रेलिंग लगा देते ताकि ऊपर से जब हम चलेंगे इसीलिए अंदर साइड से तो गिर ना जाए, उसलिए रेलिंग लगा दिया हूँ। बट दिखने में भी देखो ना कितना अच्छा लग रहा है, कम रिसोर्स है फिर भी अच्छा लग रहा है, बट ये अपन ना बड़ा कर सकते हैं, अभी ये सिलेक्ट हो नहीं रहा है, सिलेक्ट हो जाए बराबर, नहीं सिलेक्ट हो रहा तो ठीक है छोड़ देंगे, क्योंकि एक बार ट्राई करता और एक बार उसको नहीं नहीं हो जा चलो छोड़ो ये रहने देते, बट जब हम ऊपर जाएंगे ना तब उसको कैसे मैनुअली बड़ा कर मतलब वो डिलीट करके देन बड़ा वाला रेलिंग भी है हमारे पास वो लगा लेंगे। ओके तो अभी कितना सही लग रहा है, ये देखो पहले कितना बकवास लग रहा था बट अभी ठीक है,
ओके बढ़िया। और क्या है, और कुछ बचा? एक सेकंड, नहीं नहीं एक मिनट, उससे हाँ अब याद है मुझे, अंदर साइड से बचा है, मैं वही बोलूँ कुछ तो मिसिंग है। हाँ ये देखो, ये अंदर साइड से रह गया, इसको भी भरना पड़ेगा। ओके अभी एक सेकंड, नहीं हुआ नहीं हुआ यार, वो एक एक्स्ट्रा जाने की वजह से ना कट हो गया। अब देखो अब मस्त दिखेगा, एकदम प्लेन हो गया ना, एकदम सही हो गया। अब ये देखो, ये जो हमारा ऊपर से बेल्ट जा रहा है कितना सही लग रहा है, डिज़ाइन बदलेगा ठीक है धीरे धीरे। तो ठीक है, तो हमने आज का जितना कर लिया वो एकदम मस्त हो गया, तो अभी हमारा ये लास्ट वाला जो काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन वीडियो को एंड करते हैं। तो अभी चलो फिर हम क्या करते हैं कि इसको क्या करेंगे अभी, चलो ये किया, डाल दिया इसमें सेल एंड सेंड। ओके अब देखते हैं, चलो दिखाता हूँ कैसा मस्त एकदम फेंकता है सामान को, ये बूम, एक तेरी क्या मस्त गया एकदम ना, बढ़िया। तो चलिए यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते हुए जाना, फिर हम फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में सैटिस्फैक्ट्री के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।